फाइन दे के जाएंगे, टिकट नहीं है हमारे पास, आओ जाएंगे छठ पूजा के लिए। विश यू वेरी हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम लोग अपने होम टाउन गाँव जा रहे हैं, तो हम सोचे कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, जैसे हर बार बनाते हैं संडे संडे, तो आज संडे नहीं है, वेडनेसडे है। ये वीडियो आप मंडे को देखोगे आई होप। तो अभी मैं और ज्योति जी थोड़ी देर में निकलेंगे, बाय ट्रेन टिकट हुई है, एयर फेयर बहुत ज़्यादा था और ट्रेन में भी रश होंगे, लेकिन मेरा कैमरा चालू रहेगा आप लोगों के लिए, मैं रिकॉर्ड करूँगा जो जो मुझे अच्छे मोमेंट्स लगे आप लोगों के लिए। और कुछ रीजंस हैं कि छठ पूजा महापर्व जो हमारे बिहार वाले, हम बिहार वाले, अच्छा अब तो सही सब जगह होने लगी है छठ पूजा। नाम सुनते हैं कि छठ महापर्व, एक अलग सी फीलिंग होती है कि छठ पूजा, तो क्यों मनाते हैं वो सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिएगा ऐसे ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। भीड़ है इसमें, कहते हैं भीड़ नहीं। जी ठीक से बोलो, मार देना। पहुंच गए ना घर टुक्को? और कौन सा स्टेशन है ये? बछवारा। बछवारा, अपने बछवारा जंक्शन। गाइस हम लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं? छठ पूजा नहीं, महापर्व के नाम से जाना जाता है। हम बिहार वासियों जो है बहुत ही जोश और उत्साह के साथ ये पर्व मनाते हैं। इसके भी पीछे कुछ रीजंस है छठ पूजा मनाने के। मान्यता है कि महाभारत से यानी द्रौपदी अपने 5 हस्बैंड यानी 5 पतियों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए व्रत की थी सूर्यदेव के लिए, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, रामायण। लंका के राजा रावण का वध करके श्री राम जी जब अयोध्या आए थे, तो रामराज की स्थापना के लिए उन्होंने सूर्य की उपासना की थी, राम जी और सीता माता दोनों मिलके। नंबर 2 हो गया। और नंबर 3, दानवीर कर्ण, ये भी महाभारत से ही रिलेट करते हैं। वो घंटों तक पानी में खड़ा होके सूर्य की आराधना करते थे, सूर्य भगवान को अर्घ देते थे तब से। ये सब रीजंस है गाइस। छठ पूजा की पूजा चलती है 4 दिनों तक। पहला होता है नहा खाए, दूसरा होता है खरना, तीसरा होता है संध्या अर्घ यानी कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, और चौथा होता है उगते हुए सूरज को अर्घ देना। तो विश यू वेरी हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, जय छठी मैया। तो डे फर्स्ट में है नहा खाए। तो नहा खाए का क्या वैल्यू है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, वर्ती यानी मेरी मम्मी पहले नहाएंगी, उसके बाद ही खाएंगी, लेकिन क्या खाएंगी, कद्दू की सब्जी, चना दाल और चावल। इस खाने का बहुत वैल्यू होता है आज के दिन, प्रसाद माना जाता है, तो इसी को कहते हैं नहा खाए। डे फर्स्ट बने रहिएगा। डे फर्स्ट का नहा खाया है तो मम्मी अभी खाना खा रही है, इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, ये प्रसाद खाना नहीं। डे 2, खरना पूजा। गाइस खरना पूजा का महत्व होता है, आज के ही दिन ऐसा माना जाता है छठी मैया घर में आती है और व्रती आज के ही दिन से 36 घंटा का निर्जला उपवास रखती है, और आज वो ऐसे गुड़ से बने खीर खाएंगी और उसी टाइम से 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी। बने रहिएगा हमारे साथ। डे 3, संध्या अर्घ। आज है संध्या अर्घ, शाम में होगा 3-4 बजे के टाइम में, जब सूर्य सनसेट पे होंगे, सूर्यास्त के समय। तो इसमें क्या होता है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। अब तो अभी ज्योति हम सब मिलकर प्रसाद बना रहे थे, प्रसाद बनेगा ठेकुआ और चावल, चावल का लड्डू। तोर भगती आपार, मैया तोर भगती आपार।
गाइस, इसमें क्या होता है ना कि व्रती जो छठ पूजा करती हैं वो वेट करती हैं सनराइज होने का, पानी में खड़ा होकर वेट करती हैं, सनराइज होते ही वो सूरज को अर्घ देती हैं। दैट्स इट। विश यू वेरी हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई फैमिली एंड मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज। जय हिंद, जय भारत। Yeah.